नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र राज्य में अब राज्य गीत को मान्यता मिल गई है। आपने सही सुना, महाराष्ट्र राज्य में राज्य गीत, एक हमारा राष्ट्रीय गीत है जनमन गण, जिसे हम हर मौके पर गाते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो अपनी जगह है ही। अब महाराष्ट्र सरकार ने हमारे नए राज्य गीत, महाराष्ट्र राज्य के राज्य गीत को मान्यता दे दी है। महाराष्ट्र शासन से निकले एक शासन निर्णय, जिसको अंग्रेजी में हम जीआर बोलते हैं, उसकी कॉपी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस शासन निर्णय में जय जय महाराष्ट्र माजा, गर्जा महाराष्ट्र माजा, इन शब्दों से शुरू होने वाले इस गीत को राज्य गीत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्वीकृत करने आलेले राज्य गीत मराठी में लिखा हुआ है, इसके नीचे पूरा मराठी में राज्य गीत है। ये वही राज्य गीत है जिसको महाराष्ट्र राज्य के अधिकृत राज्य गीत के तौर पर मान्यता दी गई है। इस राष्ट्रीय गीत की भी कुछ अपनी, इस राज्य गीत की भी कुछ अपनी आचार संहिता रहेगी, उसका भी जिक्र इस शासन निर्णय में किया गया है। आपको बता दूं, आने वाली 19 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है, उस दिन से ये राज्य गीत पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो शासन निर्णय आया उसी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें मराठी में लिखा हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून स्वतंत्रताच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये दिनांक 19 फरवरी 2023 पासून सदर गीत महाराष्ट्रचे राज्य गीत म्हणून अंगीकारण्यात आले आहे। हे राज्य गीत सुमारे 100 ते 105 सेकंदात वाजविता किंवा गाता येईल। जैसा हमारा राष्ट्रीय गीत की आचार संहिता है, 52 सेकंड में राष्ट्रीय गीत जन गण मन उसको गाया जाना चाहिए, उसी प्रकार इस राज्य गीत को 100 से 105 सेकंड के बीच में, यानी कि 1 मिनट और 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट और 45 सेकंड के बीच में इसको गाया जा सकेगा या बजाया जा सकेगा। राज्य गीत गायन वादन या संदर्भात औचित्य ने पालन करने आवश्यक है, जो मैं आचार संहिता की बात कर रहा हूं उसके मार्गदर्शक कुछ यहां दिखे हुए लिखे हुए हैं। इसमें सबसे सर्वोपरि यही बात लिखी गई है कि शासन ने राज्य गीत को मान्यता दी है, लेकिन राष्ट्र गीत का मान सम्मान जो है वो बना रहेगा। राष्ट्र गीत की प्रतिष्ठा है वो अपनी जगह बनी रहेगी, उसमें कोई फेरबदल रद्दोबदल नहीं किया जाएगा, नहीं उसको कमतर करके आंका जाए। हमारा जो राष्ट्रगीत है जन गण मन अधिनायक, वो अपनी जगह पर बरकरार है, वो राष्ट्रगीत है। राष्ट्र पहले है, फिर राज्य गीत इसके साथ ही लागू हो चुका है। 1 मई महाराष्ट्र दिन को राज्य ध्वजारोहण के बाद, राष्ट्रगीत होने के बाद राज्य गीत को बजाया जाए या गाया जाए, ऐसा आदेश है। शासन के सभी कामों, ये मराठी में लिखा हुआ, मैं आपको हिंदी में इसको समझा रहा हूं। शासन के सभी काम में, सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य गीत का गायन या वादन किया जाए, इसका आदेश दिया गया है। इसी कड़ी में आगे राज्य के स्कूल, उसमें दैनिक सत्र में इसको गाने के लिए राष्ट्र गीत परिपाठ, प्रार्थना, प्रतिज्ञा, इनके साथ में राज्य गीत को भी बजाना या गाए जाने का आदेश है। राज्य 3 सर्व शैक्षणिक संस्था, सभी शैक्षणिक संस्था, अशासकीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी आस्थापना और जनसामान्य लोगों के होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य गीत को बजाए जाने की परमिशन रहेगी। बजाया जा सकता है, गाया जा सकता है। राज्य गीत जब बजाया जा रहा होगा या गाया जाएगा, तो जैसे हम जनगण मन के समय में
सावधान की मुद्रा में खड़े रहते हैं, ऐसा ही खड़ा रहना है। ये एक अहम बिंदु है। साथ ही साथ छोटे बच्चे, गर्भवती स्त्री यानी कि प्रसूत महिलाएं, बीमार व्यक्ति, दिव्यांग और वृद्ध, इनको खड़े रहने से छूट दी गई है। ये चाहे तो बैठ भी सकते हैं, इनको इसमें छूट है। फिर इसको भी जैसा राष्ट्रीय गीत बजाने के समय हम दूसरा सब चीज बंद रखते हैं और सम्मान राष्ट्रीय गीत को देते हैं, उसी तरह राज्य गीत को भी हमको जब राष्ट्रीय गीत राज्य गीत बज रहा है तब सभी चीजों को बंद रखना है और सम्मान देना है। अंत में इसका जिक्र किया गया है कि इसकी धुन को डाउनलोड किया जाना है, तो महाराष्ट्र की वेबसाइट, महाराष्ट्र राज्य की वेबसाइट www.maharashtra.gov.in जो लिखित अभी मैंने आपको शो किया स्क्रीन पे, वो भी वहां मिलेगा। इसका जिन्होंने गाया है ओरिजिनल जो गायन है वो भी महाराष्ट्र राज्य की वेबसाइट पर अवेलेबल है, और इंस्ट्रूमेंटल जो धुन है वो भी महाराष्ट्र राज्य की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड की जा सकती है। और अंत में ये शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्य की वेबसाइट पर है ऐसा लिखा गया है। ये शासन निर्णय अपर मुख्य सचिवालय मुख्य राज्य शिष्टाचारी अधिकारी महाराष्ट्र शासन की ओर से निकाला गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, ये खबर है महाराष्ट्र राज्य में राज्य गीत के संदर्भ में। अब से आगे से महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय गीत के साथ में राज्य गीत भी बजाया जाएगा, गाया जाएगा, और एक आधिकारिक राज्य गीत महाराष्ट्र राज्य को मिला है। इसके बोल है जय जय महाराष्ट्र माजा गर्जा महाराष्ट्र माजा, जय जय महाराष्ट्र माजा गर्जा महाराष्ट्र माजा। आप अगर ये राज्य गीत डाउनलोड करना चाहो तो महाराष्ट्र राज्य की वेबसाइट www.maharashtra.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। जय जय महाराष्ट्र माता गर्जा महाराष्ट्र माता, जय जय महाराष्ट्र माता गर्जा महाराष्ट्र माता। सह्याद्रीचा सिंह गर्जत शिव शंभू राजा, छाती वरी कोरली अभिमानाची लेणी, ओलादी मन गटे खेळती खेळ जीव घेणी, दारिद्र्याचा उन्हा तशी जाला निढळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे ही दस्त गाणी, महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।